कहा गया है कि नारी जब अन्याय होता है तो आदिशक्ति बन जाती है और इसमें वह कोई भी निर्णय लेने में पीछे नहीं हटती। सोनभद्र में यहाँ हाई प्रोफाइल तो नहीं, लेकिन एक पत्नी अपने पति का गैर औरत से संबंध बर्दाश्त नहीं कर सकी और आखिरकार कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। मामला जुगैल थाना क्षेत्र के बड़ा टोड़ टोले में 25 अक्टूबर की रात में अक्षयबर पुत्र हरिहर 55 वर्ष की कुल्हाड़ी से काटकर किसी ने हत्या कर दी थी। वहीं परिजनों की माने तो हत्या लगभग रात 2 से लेकर 3 बजे के बीच की बताई जा रही है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची जुगैल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया था, जिसका आज पुलिस ने खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस संबंध में पुलिस का कहना था कि मृतक के बेटे ने गांव के ही व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया था, लेकिन जांच में उसकी पत्नी ही अवैध संबंध को लेकर पति की हत्या करने की बात स्वीकार कर रही है। सोनभद्र में जुगैल थाना क्षेत्र के बड़ा टोड़ टोले में 25 अक्टूबर की रात उस समय हड़कंप मच गया जब गांव में पता चला कि अक्षयबर पुत्र हरिहर 55 वर्ष की कुल्हाड़ी से काटकर किसी ने हत्या कर दी है। इस मामले में पुलिस ने मृतक के बेटे की तहरीर पर गांव के ही अशरफी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया, लेकिन पुलिस की जांच में जो तथ्य सामने आए वो पुलिस के साथ साथ घर वालों को भी चौंकाने वाले थे। आदिवासी जिला होने की वजह से ज्यादातर हत्याएं अवैध संबंधों को लेकर ही होती हैं, जिसे पुलिस आसानी से हल कर लेती है क्योंकि आदिवासी ज्यादा दिन तक झूठ बोलकर छिपा नहीं पाते, जिसकी वजह से ऐसे मामले का खुलासा जल्दी हो जाता है। मृतक लालजी की पत्नी का कहना है कि कई बार मना किया लेकिन नहीं मान रहे थे तो कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। लाल जी खरवार नाम के एक आदिवासी व्यक्ति थे, जिनकी उम्र करीब 52 साल थी। वो अपने घर में सो रहे थे, अपनी पत्नी उनके पास में सो रही थी। रात में 2 बजे के आसपास लालजी खरवार पर कुल्हाड़ी से किसी ने हमला किया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उसमें ये मामला थाने पर रिपोर्ट हुआ, एक अशरफी लाल खरवार नाम के एक आदमी पर आरोप लगाया गया। हम लोगों ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन से मामला ये नजर आया कि जो आरोपित व्यक्ति है वो अपराधी नहीं प्रतीत होता था, वो आरोप झूठा सा लगाया गया था। गहराई से इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि लाल जी खरवार का अपने ही परिवार की अपनी कोई भाभी है, उससे निकटता और अंतरंगता बहुत बढ़ गई थी, जिसकी वजह से उसकी पत्नी बहुत क्षुब्ध रहती है। और घटना के दिन, घटना के रात्रि में शाम को उन लोगों का आपस में विवाद हुआ था, जिससे वो बहुत रुष्ट थी और उसी ने प्रहार कर दिया था कुल्हाड़ी से, बहुत पैनी कुल्हाड़ी, जो मृतक स्वयं अपने चाचा के यहाँ से 2 दिन पहले मांग के लाया था, वही कुल्हाड़ी उठाकर उसको मार दी थी, जिससे उसकी मृत्यु हुई। तो ये इस संबंध में भी जो विधिक कार्रवाई है वो उस महिला के खिलाफ की जा रही है।